मोहम्मद रिजवान फेल, उस्मान खान फेल, आजम खान ने फिर धोखा दे दिया, फखर जमान का बल्ला भी ना चला, इफ्तिखार अहमद ने टीम को मुश्किलात में छोड़ दिया, यूएसए की ना तजुर्बेकार टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हलक में आ गई, अमरीकी टीम के सामने कौमी टीम चारों शाने चित हो गई, हद से ज्यादा खुद एतमादी या फिर प्रैक्टिस सही नहीं मिली। पाकिस्तान की शिकस्त की असल वजह क्या बनी? यूएसए से शिकस्त का अब ग्रीन शर्ट्स के सफर पर क्या असर पड़ेगा? आइए तमाम पहलुओं का जायजा लेते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर डेलस का ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम पाकिस्तान टीम के लिए डरावना ख्वाब बन गया। टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी का सिलसिला जारी रहा। मेजबान अमरीका के खिलाफ कौमी टीम की पहली बैटिंग आई तो पावर प्ले में ही कौमी टीम की तैयारियों की कली खुल गयी। 6 ओवर्स में सिर्फ 30 रन बने और 3 विकेटें गवा दी। मोहम्मद रिजवान 9, उस्मान खान 3 और फखर जमान 11 रन के मेहमान रहे। इब्तदाई विकेटें जल्द गिरी तो बाबर आजम खोल में चले गए और सुस्त रफ्तारी से बैटिंग की। कप्तान ने 43 गेंदों पर 44 रन बनाए। शादाब खान 40 रन बनाकर हिम्मत हार गए। आजम खान आए, खाता खोलने की भी जहमत ना की और वापस चलते बने। गिरती पड़ती कौमी टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 159 रन तक पहुंची। यूएसए की बैटिंग आई तो कुछ देर बॉलर्स के लिए साजगार नजर आने वाली पिच बैटिंग के लिए साजगार हो गई। मेजबान बल्लेबाज पुरएतमाद अंदाज में कौमी बॉलर्स की गेंदों को बाउंड्री पार लगाते रहे। यूएसए की टीम आगाज से ही हावी रही, लेकिन मोहम्मद आमिर के 19वें ओवर ने अचानक मैच में सनसनी खेजी पैदा की। आमिर ने इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और आखिरी ओवर में यूएसए को जीत के लिए 15 रन बनाने थे। हारिस रऊफ ने इब्तदाई 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए, लेकिन फिर लाइन और लेंथ भूल गए। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हारिस रऊफ ने पहले छक्का खाया, फिर सिंगल दिया और आखिरी गेंद पर चौका खाकर मैच बराबर कर दिया। सुपर ओवर में मोहम्मद आमिर ने 18 रन दे दिए, जिसमें नाकिस फील्डिंग का बहुत बड़ा किरदार रहा। सुपर ओवर में 19 रन का हदफ पाकिस्तान के लिए पहाड़ साबित हुआ और कौमी टीम 13 रन बना सकी। यूएसए से शिकस्त के बाद पाकिस्तान का सुपर 8 राउंड में पहुंचना भी मुश्किल हो गया। पाकिस्तान को बकिया मैचों में अभी भारत, कनाडा और आयरलैंड से खेलना है, जबकि यूएसए की टीम अपने इब्तदाई 2 मैच जीत चुकी है, जबकि यूएसए का अभी आयरलैंड से भी मैच बाकी है। मतलब पाकिस्तान को सुपर 8 में रसाई के लिए अब एक बार फिर बकिया मैचेस जीतने के साथ साथ कुदरत के निजाम का इंतजार है। बसूरत दीगर ग्रीन शर्ट्स का पहले ही राउंड से वापसी का टिकट कट जाएगा। इस मैच से कबल पाकिस्तान की अमरीका में सरगर्मियों का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तानी टीम मैच के लिए कोई खास तैयारियां ही ना कर सकी। डेलस में बारिशों के बायस खिलाड़ियों को एक तरफ प्रैक्टिस ना मिली तो खिलाड़ियों की तवज्जो भी दीगर सरगर्मियों में मसरूफ रही। खिलाड़ी अमरीका में मुख्तलिफ डिनर्स में शिरकत करते रहे। टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फैसला अब आने वाले मैचेस में कौमी टीम की अपनी कारकर्दगी के साथ साथ दूसरी टीम की कारकर्दगी पर होगा।